ये जैसे आप देखें तो अल्मोड़ा हमारा एक शहर है और सांस्कृतिक राजधानी, कुमाऊं मंडल की सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है, और ये बसाया गया शहर है। ये ऐसा नहीं है कि ये पौराणिक काल का शहर हो, ये चंद्रवंशी राजाओं ने इसको बसाया, मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन बसे। भारत में इसको बसाया गया। तो इसको बसाने के पीछे एक कारण रहा कि वहाँ पर पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे नौले हैं, और उसका जो मुख्य स्रोत है वो है आपके कसार देवी के जंगल। अब आप एक रोचक बात देखिए, कसार देवी जो है आपका ऊपर की तरफ है, या मतलब कसार देवी के पास के जंगल, और नौले जो हैं वो आपके अल्मोड़ा में आते हैं, नहीं थोड़ा नीचे पड़ जाते हैं, वहाँ से सारा का सारा पानी जो है इधर अल्मोड़ा के नौलों में आता है। जनरली आपको क्या है कि एक नौले के लिए एक बड़ा कैचमेंट एरिया चाहिए, कैचमेंट एरिया मतलब एक तरीके का तालाब या खाल, और अल्मोड़ा में आपको कोई खाल नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है, आपका ये आपके कसार देवी के जंगल, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी आप नौले को देखिए, किसी भी गांव में आप या किसी भी शहर में अगर आप नौले देखें, जैसे आप गंगुली हाट चले जाएं तो वहाँ हाटकाली में नौला है, आप बद्रीनाथ चले जाएं तो वहाँ पर पे बद्री विशाल का नौला है, आप उत्तरकाशी में जाएं तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे नौले वगैरह मिल जाएंगे, इवन आप जौनसार में चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी नौले मिलेंगे। वो नौलों का जो जियोलॉजी यानी कि भूगर्भी जो विज्ञान है, वो जो है ज़्यादातर यही है कि एक पहाड़ होगा, पहाड़ में एक अच्छा खासा चौड़ी पत्ती का प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है, और उसके नीचे में एक चट्टान होगी, और चट्टान से एक पैसेज सा जाएगा जिसके द्वारा नौला जो है निर्मित होगा। तो इसका मतलब जी अगर नौले में जल चाहिए तो उसके ऊपर जंगल चाहिए। जी दूसरे हमारे जो चीज़ आती है वो है हमारे धारा। अब ये धारा भी आपका हमारे को प्रकृति ने उत्तराखंड को कूट कूट करके दी है, तो जहाँ जहाँ भी हमारे गांव वगैरह बसे वो सारे के सारे या तो नौलों के पास में बसे या फिर धाराओं के पास में बसे। अब ये धाराएं भी तो आशुतोष जी, ये जो हमारे धारे हैं ये एक तरीके से नौले से बड़ा रूप है, यानी कि अगर आपके ज़्यादा पहाड़ आए और ज़्यादा पानी स्टोर हुआ तो वहाँ से आपके धारे आएंगे, और उन धाराओं के पास में जाहिर सी बात है क्योंकि पानी ज़्यादा है तो उस एरिया में आप देखेंगे तो आबादी भी ज़्यादा होगी, यानी वो कोई बड़ा गांव या कोई बड़ा शहर उस धारा के पास में आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा जो है हमारे और जो अगर देखना चाहें तो हमारे उसके अलावा आपके आते हैं ताल, ये भी प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे कि आपका नैनीताल ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर पे आपको नहीं भी तो कम से कम 60-70 ताल आपको अवश्य मिलेंगे, छोटे बड़े अलग अलग तरह छोटे के। बड़े मिला करके, जिनमें सबसे बड़ा आपका नौकुचिया ताल है, उसके अलावा आपका नैनीताल तो यानी नैनी झील जो है वो तो विश्व फेमस है ही, इसके अलावा भी आपके करीब भीमताल हो गया, भीमताल और सात नौकुचिया ताल। ताल, 7 ताल में 7 ताल हैं, अधम ताल, काफ़ी सारे जो ताल हैं वो हमारे यहाँ पर पे हैं, मतलब नैनीताल ज़िले में तालों की कोई कमी नहीं है, जिसके द्वारा कि वहाँ पर पे काफ़ी सारे गांवों को पानी कृषि के लिए एवं पीने के लिए मिलता है। अब इनकी संरचना भी एक तरीके से प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने करी है, यानी कि यह कोई कृत्रिम आपके ताल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं और जो स्रोत हैं तो वह हैं खाल, जैसे कि अगर हम बात करें पौड़ी ज़िले की, तो पौड़ी ज़िले में कई सारे जो एरिया मैं आसपास के। कहूँगा या गांव कहूँगा तो वो सारे के सारे गांव के नाम आपका खाल पे हैं, जैसे कि पौड़ी खाल, रेखड़ी खाल, और भी बहुत सारे करीब 30-40 नाम तो खाल जामला के खाल, नाम पौड़ी कर नाम पर जी, जामला से तो खाल, अपना बहुत पुराना लगाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर भी आपको करीब 50-60 खाल के नाम पर पे गांव जो हैं वो मिलेंगे। तो खाल भी एक तरीके से आपका जो कोई पहाड़ है, पहाड़ के जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर पे एक कैचमेंट एरिया है, उसको खाल कहते हैं, ठीक है। और उन खाल के से नीचे के तलहटी पे आपको पूरा का पूरा गांव बसा हुआ मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में आपका खाल बना है,
और नीचे आपकी प्लांटेशन है तो वहाँ से पानी रिसता हुआ उस खाल का, बरसातों में पानी जो है खाल में भर गया, ठीक है, और उसको संवर्धित करके रखा वहाँ पर पे जो हमने पेड़ पौधे लगाए, खासकर चौड़ी पत्ती के, जैसे कि बांज का जंगल अगर आपका है या फिर आपका उत्तीस वगैरह है, तो वहाँ से पानी रिसता हुआ जो है आपका नीचे एक उस गांव को धारा के रूप में या फिर नौले के रूप में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा खालों का भी है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जिलों में, जैसे अल्मोड़ा या पौड़ी, अलग अलग जिलों में वहाँ की भूगर्भीय संरचना या फिर वहाँ की भौगोलिक संरचना के अनुसार पानी के अलग अलग हमारे स्रोत हैं जी। उदाहरण के लिए अगर जंगल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमको नौले ज़्यादा दिखेंगे जी, लेकिन जहाँ पर जंगल ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और जहाँ पर मिट्टी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर इस तरह के पेड़ लग सकें, वहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए पौड़ी जिला, वहाँ पर खाल होते हैं। तो कहने का मतलब बावजूद इसके कि किसी जगह पर हमारे पेड़ हैं या नहीं हैं, पानी की उपलब्धता उस क्षेत्र के अनुसार बदल जा रही है, लेकिन पानी की उपलब्धता रह सकती है, होती है। मतलब हमारे पूर्वजों ने पानी की उपलब्धता को लगातार रखने के लिए अलग अलग तरह के तकनीकें इजाद की ताकि हम लोग आज भी पानी पी सकें।